सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। कालीम लोशन जो कि एक रिंगवर्म और इचिंग के लिए यूज किया जाता है, और सपट लोशन वो भी रिंगवर्म और इचिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, ज़्यादा कौन सा रिकमेंडेड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, तो ये वो बातें इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको जालिम लोशन जो कि आपने लाइफ में कभी ना कभी यूज़ किया जाओगा, जो कि दाग खुजली की दवा है, स्किन सपट लोशन जो कि स्किन एक्जिमा रिंगवर्म के लिए यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में, तो इनके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊँगा कि इसके अंदर कंटेंट कौन कौन से है, कब तक यूज़ किया जाता है, और इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको जालिम लोशन और सपट लोशन के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा, और इसमें कौन सा बेटर है और कौन सा इफेक्टिव या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो सब बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जालिम लोशन जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है ओरिकेम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, और सपट लोशन जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम ही है सपट एंड कंपनी, जो कि बॉम्बे में है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो कि जालिम लोशन का एमआरपी की बात करें तो ये एमआरपी है 10 ml का 25 रुपये, और सपट लोशन का एमआरपी की बात करें तो ये भी 10 ml का ही रहता है, जिसका एमआरपी 35 रुपीज़ रहता है। तो दोनों ही यूजफुल है, दोनों में ज़्यादा थोड़ा सपट लोशन का प्राइस है। तो जालिम लोशन जो कि क्या करता है कि ये आपको जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, इचिंग इन्फेक्शन होता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है, और सपट लोशन जो कि ये क्या करता है कि ये भी फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो जालिम लोशन के अंदर दवाई की बात करें तो इसके अंदर दवाई डाली गई है, जैसे कि इसके अंदर दवाई एसिड सैलिसिलिक एसिड 10 ग्राम डाला गया है, इसके अंदर 5 ml डाला गया, टिंचर आयोडीन 3 ml डाला गया, फिनॉल इसके अंदर 2 ml डाला गया, और क्रिस्टल वॉयलेट 0.1% डाला गया, और सॉल्वेंट बेस में इसको बनाया गया है, और सपट लोशन जो कि सैलिसिलिक एसिड डाला गया, और लोबान पुल % वेट बाय वेट डाला गया, और मंजूशीता 2% डाला गया, और इथाइल अल्कोहल डाला गया है, जो कि दोनों ही क्या करते हैं कि ये दोनों ही फंगल स्किन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता है। जब भी खुजली वगैरह होती है तो थोड़ा सा स्किन के ऊपर लगाने से आपको जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जो खुजली हो रही है, तो वो चला जाता है। तो दोनों ही अच्छे है, दोनों ही इकोनॉमिक है, आप ले सकते हो मार्केट में, पर आपको डॉक्टर को पूछने के बाद ले सकते हो। तो इसमें बेटर ज़्यादा सपट लोशन का यूज़ किया जाता है और जालिम लोशन का भी यूज़ किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और पहले अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। तो इन दोनों के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।